तो हे गाइस, आप सभी को स्वागत है एक और न्यू एपिसोड में। आज हम लोग आ चुके हैं फिर से एक और न्यू एपिसोड लेके, और जो कि है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व का। और गाइस, लिटरली मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये वाला मतलब कि आज का जो एपिसोड है इसमें बहुत कुछ होने वाला है, जो कि आप इन तक देखोगे नहीं तो मिस कर जाओगे। और हमने ऑफलाइन में थोड़ा बहुत चीज़ें बनाया था। ये जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ना, वो एक फ्रीजर है, ठीक है, जिसको इधर बोलते हैं प्रिजर्विंग बिन, ठीक है। तो इधर देखो गाइज, हमने एक सीडी भी बना दिया ऑफलाइन में। और लास्ट एपिसोड में हमने ये दो चीज़ पकड़ा था, एक मास्टर पे एक और एक पैरासोरस। तो ये दोनों चीज़ें हमने पकड़ लिया। अभी इन दोनों का काम लगभग सेम है, बेरीज कलेक्ट करना और नॉर्मल थैज वगैरह कलेक्ट करना। लेकिन मास्टर का क्या है कि उसका डैमेज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, तो वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। और आज की इस एपिसोड में गाइस हमारा दो गोल होगा। सबसे पहला जो गोल होगा वो एक हमें फ्लायर पकड़ना है। फ्लायर मतलब कि एक उड़ने वाला डायनो, ठीक है, तो वो पकड़ना है। और एक पकड़ना है हम सॉरी पकड़ना क्यों बोल रहा हूँ, मतलब कि एक और काम करना है जो कि है हमें चारों तरफ को घेरना है, ठीक है, और वही आज काम करना है। अभी एक फ्लायर पकड़ने के लिए हमें बहुत सारा नारको बेरी की ज़रूरत है गाइस। तो बेरी कलेक्टर का काम तो बस पैरासोरस सबसे अच्छा करता है, जो हमारे पास है डायनोस उसके अंदर। तो मैं पैरासोरस को लेके चला जाता हूँ और बेरीज कलेक्ट करने लगता हूँ। और गाइस सच कहता हूँ, ये बहुत बढ़िया अभी के लिए बेरीज कलेक्ट कर रहा है। और हमें नार्कोबेरी की ज़रूरत है, वो मैं थोड़ा बहुत टाइम लगा के कलेक्ट कर लेता हूँ और लेके आके भाई मैं तो सीधा चला जाता हूँ नार्कोबेरी बनाने के लिए। और इसके अंदर नार्कोबेरीज डाल दी। अभी गाइस मेरे को नार्कोटिक अनलॉक नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी नार्कोटिक अनलॉक करके फिर इधर बना देता हूँ। और इधर हम थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कर लेते ताकि अभी एरोस बना सके, नार्कोटिक एरो। देखो गाइस अभी नार्कोटिक एरो ना जितना हमारे पास होगा वो बढ़िया होगा, क्योंकि नार्कोटिक एरो से हम किसी भी डायनो को टेम कर सकते हैं, मतलब कि उसको नॉक करके फिर खाना वाना देना पड़ता है, जो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो मैं तुरंत एरोस वगैरह अनलॉक करके अभी नॉर्मल एरो सबसे पहले बना लेता हूँ बहुत सारा। और वही मतलब कि एरो के साथ नार्कोटिक मिला के मैं नार्कोटिक एरो बनाने वाला हूँ। तो रुको, थोड़ा बहुत बनने दो इसको। और खाना दे दिया गाइस साइलेंट भाई ने हमें, सही है भाई। तो चलो, अभी क्या है कि नार्कोटिक हमने ले लिया, तो नार्कोटिक एरो भी बनाना स्टार्ट कर देते। और इधर नार्कोटिक भी बन रहा है और इधर समझ सकते हो क्या हो रहा है। तो दोनों काम अभी चल रहा है हमारा। तो अभी देखो गाइस, हमने बना लिया और ये साइलेंट भाई को मैं आधा दे देता हूँ, और मैंने जो बो बनाया था उसके अंदर नार्कोटिक एरो लगा देता हूँ। अभी गाइस पेट्राडॉन ढूंढने का बारी है, तो मैं और साइलेंट भाई निकल पड़ते मतलब कि पेट्राडॉन ढूंढने के लिए। सामने ही एक पीटी मिल गया था हमारे बेस के सामने, तो इसको मैं पकड़ने का सोच रहा हूँ, क्योंकि साइलेंट भाई ने पास ही में एक पकड़ लिया ऑलरेडी, समझ सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो लो लेवल का था। और ये जो मैंने देखा, देखो गाइस, ये 150 लेवल का है, और इसको टेम करने के लिए दोनों को ज़रूरत है, ठीक है। साइलेंट भाई को जो मिला है 40 लेवल का, अभी इसको नॉक करते भाई बहुत टाइम लगने वाला है, इसीलिए मैं साइलेंट भाई को बुला लिया। चलो स्पीड बढ़ा देंगे इस वीडियो का। चलो इसको तो नॉक कर दिया गाइस, अभी इसका फूड उतारने का देरी करना है, ठीक है। देखो, और सबसे पहले इसको मार्क कर लेते, नहीं तो इसको दूर से देख नहीं पाएंगे कहाँ पे। चलो इसको मार्क कर लिया हमने। और अभी क्या है कि इसका फूड उतारने का, देखो उधर जो मीट का आइकॉन आ रहा है ना, उसको कम होने का टाइम वेट करना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इसका टॉर्क और ना उतरे, ठीक है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो अभी क्या करना है कि और थोड़ा बहुत नार्को बेरी जुगाड़ करना है, क्योंकि नार्कोटिक गाइस बनाने का उतना औकात हमारे पास नहीं है। तो मैं तुरंत जाता हूँ और थोड़ा बहुत नार्को बेरी लेके आ जाता हूँ और इसको दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारा नार्को बेरी चाहिए और खाना भी चाहिए गाइस। तो मैं खाना लेने भी चला जाता हूँ तुरंत, और जाके मैं थोड़ा बहुत डोडोस वगैरह मारता हूँ, और देख सकते हो मैं क्या क्या करता हूँ। थोड़ा बहुत डोडो पहले, तो देखो इसका डैमेज तो उतना सही नहीं है, अभी 75 करके दे रहा है, तो इसको बहुत टाइम लगने वाला है, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। और चलो अभी देखते जल्दी जल्दी भाई क्या क्या मार पाते भाई इस डोडो, इसको तो नहीं मार पाऊँगा भाई, सबको मारते मारते जा रहा, ये तो बढ़िया है गाइस। ये मास्टर ना शुरुआत के लिए सही चीज़ होता है, क्योंकि मास्टर मेनली बेरीज भी कलेक्ट करता है, इसका शुरुआत के लिए डैमेज भी अच्छा है, ये छोटा मोटा प्रेडेटर को भी मार सकता है, ठीक है, मतलब कि जैसे कि कॉम्पीज एंड
जो डिलोफोसॉरस होता है वो सबको भी मार सकता है, तो आपको खतरा नहीं होगा, ठीक है। और इससे मैं देखो कॉम्पीज को भी मार दिया इधर, बहुत इजी पीजी, वैसे मैं स्पीड बढ़ा दिया, ये एक बात है। तो जो भी हो मतलब कि इसको लेके आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। और मैंने लगभग गाइस बहुत ज़्यादा मीट कलेक्ट भी कर लिया, तभी लेके जाता हूँ और अपने पीटी को दे देता हूँ इस मीट वगैरह। भाई अभी तक नहीं हुआ गाइस, और थोड़ा सा वेट करना है, और थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे लगता है हो जाएगा। लगभग हमने बहुत सारा तो खाली कर दिया फूड, ठीक है। अभी और थोड़ा सा टाइम वेट करते फिर इसको खिला देंगे, ठीक है। चलो गाइस मेरा अभी तो लगभग हो गया, साइलेंट भाई का भी मैंने दे दिया मीट, और मैं क्या करता हूँ अपने आप अपने पीटी को भी दे देता हूँ मीट वगैरह। और देखो गाइस ये टेम होना स्टार्ट हो रहा है, देखो नीचे वाला जो बार हो रहा है ना वो फूड बार फील हो रहा है, और ये टेम हो रहा है, ठीक है। वो देखो ब्राउन कलर का, लगभग ब्राउन कलर का जो है वो फूल होता ही मतलब कि हमारा हो जाएगा ये पीटी, ये टेम हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी भाई जल्दी जल्दी हो जा, चलो इसको हो गया। गाइज आप लोग चाहो तो इसका नाम भी सजेस्ट कर सकते हो अपने मतलब कि नीचे कमेंट पे, और वो नेम मैं इसको दे दूंगा एकदम इजी पीजी, और आपका भी नेम ले लूंगा कि हमारे इस भाई ने बोला है कि ये वाला नेम रखो अपने पीटी का, तो मैं सीधा वो मैं मतलब कि आपका शाउट आउट दे दूंगा, ठीक है। तो आप लोग नेम दे सकते हो, ठीक है। और चलो इसको लेके जाता हूँ अभी अपने घर पे। भाई साइलेंट भाई को इनको फॉलो करके ले आ रहा है, चलो सही है, घर पे आ जाए तो सही है। अभी यही सबसे मेन जो और एक दिक्कत है हमारे सामने वो है इनका सैरेल बनाना। अभी इनका सैरेल बनाने के लिए ना बहुत सामान चाहिए होता है, सबसे पहले तो हाइट चाहिए होता है, जो कि हमें मिल जाएगा, दिक्कत नहीं, क्योंकि वो किसी भी डाइनो को मारने से मिल जाता है। लेकिन दूसरा जो चीज़ होता है वो है चीटिन, और चीटिन गाइस मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। चीटिन और कैरेटिन, क्योंकि हम शुरू अभी हम लोग शुरुआत में हैं, तो चीटिन एंड कैरेटिन मारने के लिए तो भाई लेने के लिए तो हमें कछुआ मारना पड़ेगा, और एमोनाइट वगैरह कुछ होता है उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको भी मारना पड़ता है। तो चलो अभी इन कछुए से शुरू करते हैं। कछुओं को मारने से हमें केरिटिन मिलता है, केरिटिन ऐसा ही कुछ प्रोनाउंस होता है, मुझे याद नहीं आ रहा। चलो साइलेंट भाई तो ऊपर चढ़ के मार रहा है, मैं पीछे से मारता हूँ। भाई इनके ना देखो ऊपर जो शेल लगा है उसके ऊपर गाइस डैमेज ज़्यादा नहीं पड़ता, उनके नीचे की तरफ गले की तरफ ऐसे करके मारना पड़ेगा, जैसे कि पीछे की तरफ मारो या फिर हेड में मारो तो बहुत ज़्यादा डैमेज आते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इनके शेल के ऊपर मत मारो, देखो गहरा गहरा का डैमेज दे रहा है, लेकिन नीचे मारूंगा या फिर पिछवाड़े में मारूंगा तो देखो 24-24 का डैमेज आ रहा है, 27 का डैमेज आ रहा है, सॉरी बंगाली टर्म आ गया, जो भी हो। तो चलो इसको पेलते बढ़िया तरीके से, इसको पेलना भाई बहुत मुश्किल है, तो 55 का डैमेज दे रहा है भाई, ये अभी ब्लडी ब्लडी हो गया लगभग। देखो और एक चीज़ होता है कि ब्लडी ब्लडी जब भी होता है ना ये लोग मर जाता है बहुत जल्दी, तो मुझे लगता है ये तो मरने वाला है। भाई मर जा, 400 साल लेगा क्या भाई, अभी ये मेरे पीछे आ रहा है, भागो भाई, ये भाई भाग सा, ये कैरेक्टर दौड़ता नहीं है मेरा, कंट्रोल से शिफ्ट में लेके जाना पड़ेगा फिर से सेटिंग पे जाके। भाई अभी ये भागेगा, हाँ भागेगा भाई, ये साला तो मुझे पीछे लगता है भाई। अरे ये टूट गया, वो दूसरा दूसरा यूज करता हूँ भाई, ये दिक्कत है सर, ये मतलब कि कभी मरता नहीं जल्दी जल्दी, और यही है सबसे दिक्कत है ज्यादा। चलो आखिरकार मर गया ये तो चलो गाइस इसको तो मार दिया, अभी देखते हैं कितना कैरिटेन निकालता है भाई, कितना निकलेगा। देखो हाइट तो मिला है, अभी इसको ना जब भी ऐसे कुछ मारो तो इससे हैचेट या फिर हैचेट से ही मारो, ज्यादा अच्छा मिलता है। देखो लगभग 20 तक तो मिल ही चुका होगा शायद, देख नहीं पा रहा, चलो हाँ मिल तो गया है सही। चलो अभी साइलेंट भाई ने भी मेरे को दे दिया, तो अभी और थोड़ा बहुत मारते इसको भी मार देगा, इससे चीटिन मिलता है बहुत ज़्यादा, और हमें थोड़ा बहुत चीटिन भी मिल चुका है। देखो साइलेंट भाई कैसे मार रहा है, शर्म करो साइलेंट भाई, भगवान से डरो। और देखो इस किचुए को भी मार दिया हमने, मैं थोड़ा सा कट कट करके डालूंगा, और चलो इसको भी मार देते, बहुत भाई देखो बहुत मारा है इसको, इसका सिर पे तो भाई छेदी लाल कर दिए इसको। चलो इसको भी ले लिया, अभी चीटिन हमारे पास इनफ हो गया गाइस, देख सो चीटिन एंड कैरेटिन 90+ हो गया, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं कि मेरे लिए एंड साइलेंट भाई के लिए दोनों के लिए कर लेते एक पीटी का सैडल, क्योंकि साइलेंट भाई का लेवल अप नहीं हुआ, उन्होंने बोला था,
तो मैं तुरंत बना लेता हूँ दो दो सैडल, एंड एक सैडल में साइलेंट भाई को दे दूंगा और दूसरा सैडल में अपने पीटी को लगाऊंगा। चलो बनाते सैडल भाई। चलो दूसरा भी बन चुका है हमारा सैडल, और इसको मैं दे देता हूँ साइलेंट भाई को। ले लो साइलेंट भाई। अरे किधर गया? ले लिया ले लिया। चलो अभी इसको मैं पहना देता हूँ पीटी पे। अभी गाइस पीटी का सैडल हमने बना लिया, तभी हम उड़ सकते आसमान पे इजी पीजी। तो थोड़ा सा उड़ने का भी मजा ले लेते, बहुत दिनों के बाद खेल रहे हो तो वो तो मजा लेना ही पड़ेगा। पीटी उड़ाने में एक अलग ही मजा है, क्योंकि ये मतलब कि बोल सकते हो आरपीसी में सबसे फास्टेस्ट मतलब कि डाइनो होता है जो उड़ता है। तो गाइज अभी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखो अभी हम लोग उड़ सकते, तो हमें एक स्पाई ग्लास का भी जरूरत है। तो चलो हम लोग स्पाई ग्लास के लिए क्रिस्टल जुगाड़ करने जाते। क्रिस्टल वाला जो पहाड़ है वो हमारे पास ही में है, पास वाले आइलैंड में ही है, और जहाँ पे हम लोग पैरासोरस पकड़ने गए थे उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग निकल पड़ते, हम दोनों ही निकल पड़ते और ऊपर जाते वो क्रिस्टल लाने। तो अभी चलो भाई, साइलेंट भाई का तो पीटी का स्टैमिना ही खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा वेट करके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा लेवल अप दे देता हूँ और अभी फिर से निकल पड़ते हम दोनों यही पहाड़ के ऊपर पे। बस जल्दी पहुंच जा भाई, जल्दी जल्दी। वैसे मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, दिक्कत नहीं है। और ये देखो कुछ तो इधर दिखा, ये क्या है भाई? अरे इसको छोड़ो, पहले मैं अपने जो बॉक्स है इसको खोल लेता भाई। क्या पक पक कर रहा है? चलो गाइज ये तो बक बक बंद कर दी, मैं साउंड बंद कर दूंगा। और इधर थोड़ा लेवल अप भी आया है, लेवल अप भी करना है मेरे को। छोड़ो अभी देखो गाइज, ये सोम भाई के ट्राइब ने मतलब कि सोम भाई ने किया है इधर मेटल वगैरह इकट्ठा करने के लिए। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम थोड़ा अलग टेक्निक लगाएंगे, टेंशन नॉट, कुछ अलग देखने को मिलेगा। नॉर्मली गाइज हम लोग इधर क्रिस्टल लेने आए थे, क्रिस्टल ले लेते और थोड़ा बहुत मेटल भी लेके जाएंगे, क्योंकि इधर मेटल का पत्थर होता है जिसके लिए सोम भाई ने इधर ये सब लगाया है। तो हम जल्दी जल्दी इधर से ये सब कलेक्ट कर लेते। और चलो साइलेंट भाई तो बहुत तेजी के साथ कलेक्ट कर रहे हैं, सही है भाई। चलो अभी हमारे पास क्रिस्टल तो हो गया, साइलेंट भाई जुगाड़ कर रहा है, दिक्कत नहीं है, हम दोनों जुगाड़ करें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर से हम निकल पड़ते फिर से बेस की तरफ, हमारे पास इनफ हो गया। साइलेंट भाई का वेट ज़्यादा हो रहा था, मैं ले लिया आधा, क्योंकि मेरा पीटी लेवल अप ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल का था, लगभग टेम होने के बाद 200 लेवल का हो गया था हमारा पीटी। तो हम फिर से निकल पड़ते, अभी हम लोग शॉर्टकट लेंगे, क्योंकि आने के टाइम पे थोड़ा घूम के आया था ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ मैंने बोला है, तो थोड़ा सा घूमने का भी मन था। साइलेंट भाई को घुमा दिया पूरा। जो भी हो गाइज, तो हम निकलते हैं अभी बेस की तरफ। फिर भी साइलेंट भाई देखो घूम के ही जा रहा है बेस पे, ऊपर से निकल जाता तो सही होता। तो चलो अभी हम लोग पहुंच चुके, अभी हम जब पहुंच ही गए गाइस, अभी एक काम करते, सबसे पहले तो ये बना लेते स्पाइक ग्लास। भाई बहुत मेहनत हुआ एक एक चीज कलेक्ट करने में। ओए ये वही कौन बोल रहा? चलो जोरो हेलिना ने बोला होगा। तो चलो गाइस अभी इधर से देखो, स्पाइक ग्लास का काम एक ही होता है, जो कि है सारे डायनोस का स्टैट दिखाता है। ठीक है, आप जिस भी डायनोस के ऊपर क्रॉसियर लेके जाओगे वो उस डायनोस का स्टैट दिखाएगा, और वो किस किस चीज़ों से टेम होगा वो भी दिखा देगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी क्या इस जो हमारा दूसरा गोल था, इस जगह को पूरा चारों तरफ से अटका देने का, मतलब कि हमारे एरिया बनाने का, तो वही हम लोग करेंगे। अभी क्या करेंगे कि हम बहुत काम करना है हमें। तो उससे पहले और एक चीज़ भी बताना था, हमें मेटल घास मिला गाइज। साइलेंट भाई ने जब मैं मीट जुगाड़ करने गया था, तो साइलेंट भाई ने ये सब बना के रखा था, स्मिथी एंड फोर्ज वगैरह, जहाँ पे मेटल पिघलता है। वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में दिखा दूंगा क्या क्या चीज़ होता है, तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि वो बीच में वो दिखाना भूल गया था मैं। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग वुड वगैरह कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वुड से ही हम लोग बहुत जल्दी वो सब कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि वो बना सकते हैं वॉल वगैरह, क्योंकि वॉल बनाने के लिए वुड एंड बहुत सारा जो स्टोन होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, वुड थैच एंड स्टोन, और हम उससे वॉल बनता है स्टोन वॉल। तो वो बना के हम लोग सीधा लग जाएंगे इस जगह को घेरने में। ठीक है, तो चलो गाइस बहुत सारा हमने वुड एंड थैच वगैरह कलेक्ट कर लिया, और मैंने बीच में और एक बार भी रख के गया था,
तो वो भी सामान मैंने इधर रख के गया था, और साहिल मैंने उसका भी स्टोन का सामान बना दिया। मैंने उनको बोल के रखा था आप स्टोन का सामान बनाओ और मैं लगा दूंगा। तो साइलेंट भाई ने वो सब बना के लगाना स्टार्ट कर दिया, और उसके ऊपर मैं अभी वॉल लगा दूंगा जो वॉल साइलेंट भाई ने दिया है, और वो वॉल लगा के अभी इस जगह को मैं घेरने वाला हूँ। तो चलो जल्दी जल्दी इसको लगाते हैं भाई। बस हमें फेंस फाउंडेशन के ऊपर ये वॉल लगाना है और कुछ नहीं, और चारों तरफ से हमें लगाना है भाई। एक गलत लग गया, इसको भी सही करना पड़ेगा पहले पहले। अरे हाँ, इसको उठा लो। और चलो गाइस इसको उठा लेते हैं। और इधर ना एक दरवाज़ा भी, अरे ये कैसे टूट गया, इधर एक दरवाज़ा भी लगाना है। तो मैं मिडिल ढूंढता हूँ, मिडिल ये मेटल है, तो इसको उठा के इधर लगा देता हूँ। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ये सही लगे। और ये देखो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है भाई, सही है। अभी इस तरफ का भी ओ डायनो गेट लगा दिया सारे मैंने। तो इधर क्या कहते हैं, इधर भी लगा देते, इधर भी घेर देते। बस पानी की तरफ हम लोग सोच रहे हैं कि खुला रह देंगे, क्योंकि पानी की तरफ हम लोग फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। इसमें भी फार्मिंग होता है गाइस, नहीं तो डाइनोस वगैरह टेम करने के लिए बहुत सामान लगता है। जो हमने मीट से टेम किया वो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। उसका और एक इजी प्रोसेस होता है, किबल बना के खिलाना, ठीक है। किबल तो वो भी उनका एक फूड होता है, वो बना के खिलाना है। तो चलो इधर और लगाते, और वो फार्मिंग से ही मिलता है गाइस, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लोगे, अगर आप जानना चाहते हो इसको कैसे खेलते तो आप लोग देखते रहना बस। चलो ये हो गया हमारा काम, अभी गाइस हमें ऊपर से देखना है कैसा लग रहा है। चलो पीटीस पे जाते, पीटीस किधर आओ पीटीस भाई, पीटी हमारा वाला पीटी किधर आई, उड़ जाओ। तो देखो गाइस ये हमने चारों तरफ से बहुत बड़ा जगह ले लिया। अभी देखो ये हमारा मेन परमानेंट जगह नहीं होने वाला है, हम इधर से सबसे खतरनाक वाला जगह पे जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें और थोड़ा बहुत खतरनाक प्रीडेटर को भी पकड़ना पड़ेगा, जैसे कि थेरी वगैरह पकड़ना पड़ेगा, ताकि हम उधर जाके सर्वाइव कर सके। क्योंकि उधर ना सबसे खतरनाक खतरनाक डायनोस आता है, और उधर जो जो खतरनाक डायनोस आता है ना गाइस, बोल सकते उधर बॉस भी स्पॉन होता है, ठीक है। तो उन सबको मारने के लिए खतरनाक डायनो तो हमें चाहिए। जब तक हम लोग खतरनाक डायनो नहीं टेम कर लेते तब तक हम लोग इधर सर्वाइव करेंगे। और टेलीपोर्टर वगैरह मैं सोच रहा हूँ ऑफलाइन में ही बना लूँगा, अगर बना लूँगा तो आप नेक्स्ट एपिसोड में देख लोगे, और नहीं बनाता हो तो देख नहीं पाओगे। तो चलो गाइज ये था हमारा मेन आज का वीडियो। और इधर जो मैंने बोला खतरनाक वाले पे जाना, खतरनाक वाला जगह पे जाने वाले, तो वो वाला टॉप मतलब कि देखना है तो एपिसोड रेडी रहो, क्योंकि उधर जाके बहुत पंगा होने वाला है। क्योंकि हर दिन उधर इतना खतरनाक खतरनाक डायनो आता है, टीडेक्स वगैरह, आप देख के समझ जाओगे उधर सरवाइव करना कितना मुश्किल है। तो चलो गाइस इसी के साथ इस एपिसोड को इधर ही ख़त्म करते, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज की इस एपिसोड में इतना ही, तब तक के लिए गाइस आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर दो इस एपिसोड को, इधर तक देखा है तो। मैं मानता हूँ आप लोग बहुत प्यार करते हो मेरे को। तो गाइज मिलते हैं ऐसे ही कोई खतरनाक वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय।